नमस्कार मित्रों, मैं जिग्नेश जीवाणी आपके लिए एक नई स्टोरी लाया हूं जिसका नाम है भगवान का दोस्त। एक दिन की बात है, मंदिर के पास एक बच्चा जो गुलदस्ता बेच रहा है। इतनी गर्मी थी पर बच्चे के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। लोग आते थे जाते थे पर कोई देखता नहीं था। इसमें से कोई सज्जन उसने देखा तो उसको दुख हुआ और उसने उसी दिन उसके लिए नए जूते खरीदे। दूसरे दिन वो सज्जन वो बच्चे के पास आए और उसको ये नए जूते दिए। बच्चा ने झड़प से पहन लिया और एकदम मुस्कुरा और वो सज्जन को बोला, क्या अंकल, क्या आप भगवान हो? क्या आप भगवान हो? तो वो सज्जन उसके पास आए और धीरे से कान में बोले, नहीं, मैं भगवान का दोस्त हूं। वो फिर से मुस्कुराया बच्चा और उसने फिर से पूछा और बोला कि कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे और उसने बोला, कल तेरे लिए मैं नए जूते खरीदूंगा। वो सज्जन फिर से मुस्कुराया और बच्चे के पास आया और बच्चे को माथे में चूमा और मुस्कुराया और अपने घर के पास घर के लिए रवाना जा गए। आप भी भगवान के दोस्त बन सकते हो, आप भी दूसरे को हेल्प कर सकते हो और हेल्प करके भगवान के दोस्त बन सकते हो। किसी का अच्छा करना, किसी के लिए सेवा करना कुछ अच्छा करके भी हो सकता है। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।